सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले अफगानिस्तान इराक का नाम आता है। अफगान में तालिबान और इराक सीरिया में आईएस से पूरी लड़ाई अमेरिकी ड्रोनों ने ही लड़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी अमेरिकी ड्रोन के इस्तेमाल से हजारों आतंकी मारे गए हैं। लड़ाई के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और खेती के लिए भी किया जाने लगा है। भारतीय बॉर्डर पर भी आए दिन पाकिस्तान के ड्रोन पकड़े जाने की खबर आती है। रक्षा कवच के इस एपिसोड में हम आपको ड्रोन से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। ड्रोन का नाम यूएवी है, यानी अनमैंड एरियल व्हीकल, जिसका मतलब है वह व्हीकल जो मानव के बिना ही उड़े। इसे इंग्लिश शब्द ड्रोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नर मधुमक्खी। दरअसल जब ड्रोन उड़ते हैं तो वो देखने में कुछ कुछ मधुमक्खियों की तरह लगते हैं, इसलिए इसका नाम ड्रोन पड़ गया। ड्रोन में चार रोटर, जिसे हम आम बोलचाल में पंखे भी कह सकते हैं, वो होते हैं। नॉर्मली ड्रोन में तो चार ही होते हैं, लेकिन कई ऐसे ड्रोन हैं जिसमें इससे कम या ज़्यादा पंखे हो सकते हैं। ड्रोन अपने इन्हीं पंखों की मदद से उड़ता है। सबसे पहले रोटर में लगी जो पंखुड़ियाँ हवा को नीचे ढकेलती हैं, जिसके चलते ड्रोन ऊपर उठने लगता है। जैसे मान लें कि अगर हमारे पास चार पंखे वाला ड्रोन है, तो इसमें दो क्लॉकवाइज घूमेंगी और जो बाकी दो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, जिससे एयर प्रेशर कंट्रोल किया जा सके और वो आराम से उड़ सके। ड्रोन को स्टेबल रखने के लिए रोटर सेम पावर के साथ ही घूमते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ड्रोन को आगे की तरफ उड़ना है तो उसके आगे के दोनों रोटर कम तेजी से घूमते हैं, लेकिन पीछे के दोनों रोटर पूरी तेजी के साथ घूमते हैं और इस तरह से वो धक्का देते हैं, जिसकी वजह से ड्रोन आसानी से उड़ पाता है। ड्रोन का आविष्कार कई साल पहले ही हो गया था, हालांकि शुरुआत में ड्रोन ऐसा नहीं था। सबसे पहले साल 1849 की है, जब ऑस्ट्रेलिया में एक पायलट रहित ड्रोन बनाया गया था। उस टाइम कैमरे के लिए नहीं, सिर्फ बम फेंकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह एक गुब्बारा था जो हवा में उड़ता और बम फेंकता। यह बम ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन इसके बाद इस टेक्निक से ही ड्रोन की शुरुआत हो गई। इसके बाद साल 1915 में निकोला टेल्सा ने एक मानव रहित लड़ाकू विमान बनाया था, उसे भी आधुनिक ड्रोन का आधार माना जाता है। ड्रोन को सबसे बड़े लेवल पर बनाने और इस्तेमाल करने का पहला मामला तब सामने आया जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ। उसमें यूएस ने 15,000 ड्रोन बनाकर इस्तेमाल किया। मैरिलिन मोनियन नाम के व्यक्ति का इसमें अहम भूमिका मानी जाती है। पहले सिर्फ युद्ध, सेना, बॉर्डर आदि में ही ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन इसके बाद 1987 में ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी आ गया, जब यमाहा कंपनी ने फसलों में दवा छिड़कने के लिए एक ड्रोन तैयार कर दिया। इस दौरान यह ड्रोन सिर्फ जापान में ही उड़ रहा था, लेकिन 2015 में अमेरिका ने भी अपने देश में ड्रोन उड़ाने की परमिशन दे दी। आमतौर पर ड्रोन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक सामान्य ड्रोन है और दूसरा एडवांस ड्रोन। भारत में ड्रोन सबसे सस्ता है। बिना कैमरे वाले ड्रोन की कीमत 1500 से शुरू हो जाती है, वहीं कैमरे वाले ड्रोन की कीमत 5000 से शुरू हो जाती है। यह सभी एक नॉर्मल, सामान्य, जिसे हम कह सकते हैं वो ड्रोन है, जो किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन एडवांस ड्रोन के इस्तेमाल की परमिशन हमें नहीं है, क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। भारत में ड्रोन चलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं या किसी पब्लिक प्लेस में आपको वो सीन शूट करना है, तो आप इसके लिए पुलिस या किसी सरकारी अफसर की इजाज़त लेनी होगी। हालांकि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में ड्रोन उड़ाने में आपको कोई मना ही नहीं है। भारतीय विमानन मंत्रालय ने 27 अगस्त 1918 को ड्रोन पॉलिसी जारी की। इस नीति में सरकार ने लाइन ऑफ साइट ड्रोन को मंजूरी दी। ड्रोन टेक्निक के कमर्शियल इस्तेमाल की मंजूरी 1 दिसंबर 1918 में से दी गई। हालांकि यह मंजूरी सिर्फ विजुअल लाइन ऑफ साइट, यानी जहां तक नजर जा सके, सिर्फ वहां तक के लिए दी गई। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि नजर की पहुंच 450 मीटर तक होती है, हालांकि इस शर्त को बाद में हटाया भी जा सकता है। इस नई ड्रोन पॉलिसी से एग्रीकल्चर, हेल्थ और आपदा राहत जैसे कार्यों के लिए ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल का रास्ता खुल सकता है। ड्रोन की ऊंची उड़ान ही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ड्रोन को काफी ऊंचाई तक आसानी से उड़ाया जा सकता है।
ड्रोन का जो दूसरे सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि इसकी मदद से आप खेतों में बीज को आसानी से बो सकते हैं, वहीं आप अन्य सामान ढोने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्म मेकिंग में कई तरह के शॉट ऊंचाई या किसी दुर्गम स्थानों से लेने वाले शॉट्स जिन्हें आप ड्रोन की मदद से मिनटों में ले सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्मी के लिए भी ड्रोन समय बचाता है। ड्रोन चलाने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब जब इसके एडवांटेज इतने हैं तो जाहिर है कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। जो इसमें सबसे बड़ी खामी है वो ये कि ड्रोन की लाइफ बहुत कम होती है। हालांकि महंगे और हाई क्वालिटी के ड्रोन ज़्यादा समय तक चल सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ पे उस लेवल का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर आप अपने एरिया में बेतरबी से ड्रोन उड़ा रहे हैं और आसपास के किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ कानूनी केस कर दिया तो आप फंस सकते हैं। आपको ड्रोन उड़ाने से पहले इसके लिए नियम आदि इन सब चीज़ों को जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता है, ऐसे में इसका गलत इस्तेमाल होता है और पर्सनल के साथ साथ देश के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। सेना, वायुसेना आदि के ठिकानों के आसपास उड़ाने वाले ड्रोन जासूस भी हो सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आतंक के खिलाफ या युद्ध में सशस्त्र ड्रोन या UAV का एक ज़रूरत के मुताबिक विकसित किया गया एक कारगर हथियार बन गया है। लेकिन कम उन्नत देश में ड्रोन बनाने की वजह से असमान हद तक काफ़ी जद्दोजहद भी बढ़ गई है। अगर आप मेरा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, वहीं अगर Facebook पे देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करें। इसके अलावा रक्षा कवच में आप कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स या हमारे डिफेंस से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसका ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें लोकमत न्यूज़.in के साथ।